वुमेन कमिश्नर के साथ अगर ऐसा हुआ तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जब इतनी हाई पोस्ट पे कोई वुमेन है उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये इतनी दबंगई जिस देश में हो तो उसमें क्या कर सकते हो आप। उनकी राज्यसभा सांसद को जब मारा गया ना, तो केजरीवाल जी को आगे आके इसकी जिम्मेदारी लेनी थी, और अगर उनमें इतना दम होता ना तो उनके पीएम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी औरत को इतनी बेरहमी से मारा जाता। चुनाव से पहले फेमिनिज्म की बात होती है, औरतों के अधिकारों की बात होती है, लेकिन चुनाव के बाद औरतों के अधिकारों को सब भूल जाते हैं। मेरे को ये लगता है कि औरतों के अधिकारों की अगर आप बात करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। मोदी है ना तो महिलाओं की सुरक्षा है, आप लोग आपको प्रोटेस्ट करना बंद कर दीजिए। दिल्ली की मालीवाल हो या मणिपुर की आम महिला, विधानसभा में तमिलनाडु की जयललिता हो, फिल्मी कोई सितारा, कपड़े सबके उतरते हैं, ये राजनीति है, ये कपड़े उतरेंगे, ये नियम है पुरुषों का, नीति है पुरुषों की, न्याय है पुरुषों का। आज हम बात करेंगे स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद है, जिनके साथ जिनका आरोप है कि दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट हुई, अभद्रता हुई, आइए बात करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है वो तो हमें भी नहीं पता, आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस इशू, पर मुझे पता है क्या हुआ है, बट एक्चुअल मैटर क्या है वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, वो पुलिस डिसाइड करेगी, उनका काम है। बट अगर ऐसा कुछ हुआ है ऑफकोर्स दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और जिसने भी सब किया उसको जेल में होना चाहिए, बट एक्चुअल क्या है वो तो सुप्रीम कोर्ट पुलिस है डिसाइड करने के लिए, उसके ऊपर मैं कैसे। तो आपको लगता है कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर झूठी करवाई है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इशू, और मैं नहीं, मतलब मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पुलिस का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, हम नहीं कह सकते। तो ऑब्वियस है जो दिल्ली पुलिस ने, वो तो दिल्ली पुलिस में इंक्वायरी चल रही है, तो वो तो हमें तो अपने कानून पे विश्वास है, जो चल रहा है जो मेन कमिश्नर के साथ अगर ऐसा हुआ तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जब इतनी हाई पोस्ट पे कोई वुमेन है उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो बोल रहे हो। हमारे जैसे मतलब मेरी माँ बहन भी अगर होगी, क्योंकि हमारे एक लेडीज़ हमारा एक ताज जैसा माना जाता है कि हमारे इंडिया में हम समाज ज़्यादा लेडीज़ को देते हैं, कोई भी हो, मेरी माँ बहन कोई भी हो जिसके साथ गलत हो उसको एक्शन होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं कोई भाजपा से हो, कोई किसी पार्टी से। पर एक्शन कितना होता है, हम ये पहले देख चुके हैं, मणिपुर में एक महिला को नग्न घुमाया जाता है, संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, रेवन्ना जो है बेंगलोर के वो जा चुके हैं, भाग चुके हैं बहुत लड़कियों के साथ रेप करके, अब यहाँ पर भगाए जा चुके हैं, भाग चुके हैं, आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता इस बारे में। उसके अलावा दिल्ली में अब राज्यसभा सांसद, ये बहुत बड़ी चीज़ है, राज्यसभा सांसद के साथ ये चीज़ होना, वो भी महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं दिल्ली की, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ही हमारे यहाँ पर राजनेताओं को छूट मिली हुई है कि ऐसे हरकतें करके भाग जाए या फिर कुछ करें ऐसा? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हुआ वो गलत हुआ, सबसे मेन चीज़। अब आप देखिए इसी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे हमारी पहलवान बेटियां बैठी हुई थीं, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस घसीट करके लेके जा रही थी, लेकिन हमारे मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया उसके ऊपर। मणिपुर की जो घटना हुई शर्मसार करने वाली है देश को, लेकिन हमारे मोदी जी का एक शब्द नहीं आया। ब्रजभूषण शरण जैसे को नरेंद्र मोदी जी बचा के लेके जाते हैं, साफ आज की डेट में भी बचा के लेके जाते हैं, उसके बेटे को जो है, जो आदमी ये कहता है बेटियों के नाम पे कि दबदबा है दबदबा रहेगा, जिसको जो उखाड़ना हो वो उखाड़ लो जा करके। ये इतनी दबंगई जिस देश में हो तो उसमें क्या कर सकते हो आप। और देखिए एक्चुअली क्या आज की डेट में जो सब ये आप बताइए कैसे 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 किस तरीके से, जो केजरीवाल है ना जो हमेशा महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो विपक्ष नेताओं को आज उनकी राज्यसभा सांसद को जब मारा गया है ना, तो केजरीवाल जी को आगे आके इसकी जिम्मेदारी लेनी थी, और अगर उनमें इतना दम होता ना तो उनके पीएम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी औरत को इतनी बेरहमी से मारा जाता। और मोदी है ना तो महिलाओं की सुरक्षा है, आप लोग आपको प्रोटेस्ट करना बंद कर दीजिए। आप आगे आइए, आप आगे आइए, मोदी है तो ब्रजभूषण शरण जैसे बचाए जा सकते हैं, रेवन्या जैसे मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, मोदी की गारंटी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा मोदी सरकार ने ये कि मोदी जी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी चुप्पी साधे हुए हैं, हमें नहीं लगता कि हमने अपने राजनेताओं को छूट दे रखी है कि वो हर चीज पे चुप्पी साध के रखे सारे के सारे। उन्हें आगे आकर इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए, बात ये नहीं है कि वो एक साथ। आपने कहा मोदी जी को, आपने कहा कि मोदी जी हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, रेवन्ना के साथ उन लोगों की पार्टी का रैली था, उनकी साथ में थे, वो भाग चुके हैं, भले ही वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, एयरपोर्ट से भागे हों, कुछ भी क्यों, लेकिन मोदी जी ने एक चीज नहीं बोली उनके लिए, एक शब्द नहीं बोला उस बारे में। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार रहती है वहाँ पर मुजरिमों को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात, मोदी जी सुनिए, आप इसको एक मिनट,
मैम ने बोला कि मोदी सर जो है फेमिनिज्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, नारीवाद के लिए ना, ठीक है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके रेप किया गया, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, मणिपुर में जो हुआ मोदी जी ने उसके ऊपर आज तक एक मिनट का भी स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने इस घटना को लेकर बहुत ही मतलब अफसोस जाहिर किया था। देखिए आप और हम अगर ऐसी बात करें, इतना बड़ा देश है, हम मानते हैं कि मणिपुर में जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय थी, मोदी जी ने उसके लिए वहाँ पे शोक भी व्यक्त, खाली शोक व्यक्त करना काफी है, उसके बाद उसके उनके मुजरिमों को वहाँ पर सजा भी दी गई। अब मैं ये कह रही हूँ, देखिए सजा दी गई, मेरे को ये बताइए कि मणिपुर में सजा क्या दी गई, वहाँ पर बात की गई है, जैसे अब ये बताइए बात करने से सजा देना दो अलग अलग चीज, देखिए क्या होता है, मोदी जी के पास दो व्यक्ति नहीं थे, कोई भी वहाँ कोई एक या दो व्यक्ति नहीं थे, वहाँ एक पूरा ग्रुप था, एक समूह था। लेकिन आज हम अगर मोदी जी के कामों को देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते, जैसे अभी कि भैया कह रहे हैं उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, अरे ये कौन सी बात हुई, एक बंदा बीवी के ऊपर कोई नहीं जा रहा है, वो मैटर यहाँ पर घुमा, एक बंदा आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आज आप देखिए राम मंदिर बना है, इतने सारे काम। एक मिनट, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, आप राम मंदिर की बात कर रही हैं, राम राज्य है और वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, कि जिस पार्टी का नेता ऐसा हो कि उसके पीए की इतनी हिम्मत है, मतलब कि पीए को ही, बल्कि पीए को ही अपने नेता का खौफ नहीं है, अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल आपसे, आप अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बात कर रही हैं, कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को न्यायालय ने सिर्फ इसलिए बेल दी ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके, अब वो बाहर आते हैं, उनके यहाँ पर स्वाति मालीवाल जाती हैं या फिर उनको अंदर आने नहीं दिया जाता, जैसा वो कह रहे हैं, आप पार्टी कह रही है कि जबरदस्ती वो आई थी, उसके बाद वो वहाँ पर जाती हैं, उनका कहना है कि उनके साथ उनको मारा पीटा गया, उनको 7-8 थप्पड़ मारे, उनके प्राइवेट एरियाज में उनको मारा गया, उनको पीरियड्स हो रहे थे, ये कितना सही है, ये कहाँ तक सही है कि अरविंद केजरीवाल के होते हुए वो कह रहे हैं कि आवास में वो मौजूद थे, उनका पीए उन पर हाथ उठाता है, आवास में मुख्यमंत्री मौजूद है और पीए हाथ उठा रहा है, ये क्या सही है, ये कैसे हो सकता है? मैं इस बात का खंडन करता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है, गलत है जो बात है वो गलत है, तो गलत है, सही होगी सही कही जाएगी, लेकिन मैडम ने कहा कि देश इतना बड़ा है, ठीक है, मोदी जी रखेंगे, ब्रजभूषण शरण इसी देश में, यही दिल्ली के अंदर में रेप का केस लगा रखा था, तो बात तो वही आ रहती है ना, घूम फिर के सब बात तो वही है, सारे नेताओं को एक केस में कर रहे हैं, सारे नेताओं का नहीं, नहीं नहीं, देखिए जहां गलत होगा वहां गलत कहा जाएगा, उसमें कोई वो वाली बात नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जांच का विषय, अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं कहा, इसमें कहा कुछ नहीं कहा, एक मिनट अरविंद केजरीवाल के बारे में बता दूं, अरविंद केजरीवाल की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां वो थे संजय, उनके साथ अखिलेश यादव मौजूद थे, संजय सिंह ने बात, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, उनके आवास में हुआ तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला, उनके जिम्मेदारी बनती है, मैं बताऊं स्वाति मालीवाल सिर्फ उनकी राज्यसभा सांसद नहीं है, इस समय क्या पोलराइजेशन का काम हो रहा है, इस समय चल रहा है इलेक्शन और बीजेपी हर चीज को किसी ना किसी रास्ते से कहीं ना कहीं, आप कह रहे हैं कि सब बीजेपी ने करवाया, ये बीजेपी ने पीए को बोला, देखिए देखिए मैडम ये आप कह रहे हैं, जब पर्ते खुलेंगी तो बहुत सारी चीजें पर्ते खुलती, फिर पर्ते खुलने के बाद, जब एक मिनट जब पर्ते खुलने के बाद इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का माहौल जिससे कि अरविंद केजरीवाल का माइंड डाइवर्ट किया जाए उसको कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल क्योंकि इलेक्शन का माहौल है पर्ते खुली जाएंगी, केजरीवाल हमारे इंटरनल पार्टी की, इंटरनल पार्टी कैसे सर, राज्यसभा सांसद है वो, मैं महिला होकर के मैं एक लड़की हूँ, अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है आवास में तो मैं कैसे, जिम्मेदारी अपनी है कोई उसमें वो नहीं है, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी, इंटरनल मैटर कैसे सरकार है, पार्टी का इंटरनल मैटर, इंटरनल मैटर ये पार्टी आम आदमी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर कैसे हो सकता है मैम, सरकार कोई भी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो चाहे मोदी जी की हो, मोदी जी ने अच्छे काम भी किए हैं, अरविंद केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे को अच्छा बोलिए बुरा का बुरा बोलिए, कोई भी सरकार आती है चुनाव से पहले फेमिनिज्म की बात होती है, औरतों के अधिकारों की बात होती है, लेकिन चुनाव के बाद औरतों के अधिकारों को सब भूल जाते हैं, मेरे को ये लगता है कि औरतों के अधिकारों की अगर आप बात करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, चाहे सरकार कोई भी हो, अगर अरविंद केजरीवाल के पीए ने गलत किया है तो उनको बर्खास्त करिए, क्या ये वोटिंग का मुद्दा नहीं होना चाहिए, वोटिंग का मुद्दा है, ये वोटिंग का मुद्दा ही है, देखिए इस देश के अंदर क्या हो रहा है, इस देश के अंदर जो मुद्दे हैं, पहले राम का मुद्दा था वो खत्म हो गया, तो लोगों को यहाँ पर जो है वो बहलाया जा रहा है, और देखिए अगर आप चांदनी चौक में खड़ी हैं, इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, अब यहाँ अगर थोड़ा गंद होगा तो आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने गंद किया, हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है, हम भी तो एक सिटीजन है, हम नागरिक है, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ करें, सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं कर सकते, अगर मुख्यमंत्री आज से 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं और यहाँ किसी लड़की का रेप होता है तो उसमें वो जिम्मेदार नहीं है, मैं ये उनको जिम्मेदार
ठीक है, आपने कहा कि कोई लड़की जब हो जाए बाहर रेप हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री आवास में चीजें हुई हैं, वो जिम्मेदार हैं, उनको इस तरह से प्रशासन लेके चलना चाहिए ताकि एक लोगों के मन में डर पैदा हो। सर उनके साथ मैं एक्शन लेने की बात सिंपल सी है, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी कहाँ ली इसकी? मुख्यमंत्री के आवास में चीजें हुई, उनके पीए ने चीजें की जैसा कहा गया कि पीए ने चीजें की, लेकिन उसके बावजूद वो पीए उनके साथ लखनऊ में भी देखा गया। अगर जो भी ये मुद्दा है पहले उस पर जांच होनी चाहिए, जांच हो बिल्कुल क्लियर तरीके से जांच होनी चाहिए और उसमें जो भी दोषी है चाहे वो अरविंद केजरीवाल के पीए हो जो मर्जी हो उनको बर्खास्त करना चाहिए और बिल्कुल इस पर कमेटी बिठा के पूरा जांच कराना चाहिए। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को मैं फेवर कर रहा हूँ या मैं मोदी को फेवर, मोदी जी ने अच्छे काम भी करे, देखिए मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, मोदी जी ने अच्छे काम किए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो काम गलत हुए हम उनको बोलेंगे, वैसे ही हम जनता है, वी नीड टू बिल्कुल बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ भी अगर गलत हो रहा है वो भी बोलेंगे, मोदी जी कुछ गलत कर रहे हैं तो वो भी बोलेंगे, परफेक्ट ठीक है, नन ऑफ द फाइव फिंगर्स आर सेम, कोई भी बराबर नहीं होता और पांच उंगली बराबर नहीं होती, हर सरकार में कुछ ना गलत भी होता है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी और औरतों का जो अधिकार है वो दो मुद्दे ऐसे हैं इनके ऊपर कोई सरकार कभी कुछ नहीं करती, सिर्फ वादे करती है, चुनाव से पहले चुनाव खत्म होते वादे खत्म होते हैं। कौन सा किसको वोट देना चाहिए? देखिए मैं अब पर्सनली यहाँ पर नहीं बोल पाऊंगा मैं किसको वोट दूंगा, मेरा अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसे मंत्री आने चाहिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए जो थोड़े पढ़े लिखे हों, जो उसी को समझे, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। देखिए आप जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है और पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत मैटर करती है, एजुकेशन बहुत मैटर करती है, अगर हमारे देश का मुखिया ही पढ़ा लिखा नहीं हो तो हम जैसे लोग क्या करेंगे ये बताइए। तो मेरे को लगता है कि आप अपनी समझ से वोट दीजिए, जिसने अच्छे काम किए और जो अच्छे काम करेगा अब उसको वोट दीजिए, आप दीजिए राहुल गांधी को मौका, वो पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी, अब मैं मेरा एक सवाल है इस पे आता है, ठीक है राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, आई एग्री कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, मैं उनके फेवर में नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ उनको भी मौका दीजिए ना, आपने अरविंद केजरीवाल को मौका दिया, मोदी जी को मौका दिया, आप उनको मौका दीजिए। राहुल गांधी ने भी इस मामले में एक मिनट महिला सुरक्षा के बारे में कितने नेता बात कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी बात कर रहे हैं? मुझे बात तो सारे करते हैं, मेरा कहना के मतलब ये जब सत्ता में आते हैं, कांग्रेस के टाइम पे भी राजस्थान में उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, बहुत सारे ऐसे मामले आए जहाँ बच्चियों के रेप हुए हैं, इस मामले में आज तक राहुल गांधी ने, आने वाले टाइम में जो सरकार रहेगी उस उन सरकारों में भी देश के अंदर, आने वाले टाइम में जो सरकार होगी उसके अंदर भी देश के अंदर मुझे लगता है कि अत्याचार होते रहेंगे, रेप होंगे, हमें ऐसे कानून बनाना चाहिए, जो भी सरकार है वो कैसा कानून बनाए हमारे यहाँ डर पैदा हो, अगर एक औरत रात को 12 बजे भी यहाँ से निकल रही है, आपको बहन बेटी निकल रही है, तो हमारे अंदर वो डर होना चाहिए कि नहीं यार उसको छूने से पहले हमें पता होना चाहिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो वो रूल बनाइए ना। आप दिल्ली में कौन क्षेत्र से, आपका वोटिंग कहाँ से? जी पश्चिमी दिल्ली में आता है ना, तो आपको क्या लगता है वहाँ से कौन जीत रहा है? देखिए मैं अभी इस पर नहीं कह सकता कौन जीतेगा, मेरे कहने से कोई जीतेगा नहीं, लेकिन जिसने भी देखिए हमारे वहाँ से डिंपल आहूजा जी हैं जो कि वहाँ की निगम पार्षद हैं, तो हमने उनको वोट दिया है क्योंकि उन्होंने कार्य किया हमारे जो एरिया में, कार्य किया जो काम करेगा जो अच्छी। आप क्या करते हैं जी? आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है कश्मीरी गेट में अपना। मैम लास्ट टू मिनट, देखिए मैं एक महिला हूँ और महिलाओं के अधिकार के बारे में मैं ज़्यादा जान सकती हूँ, मुझे जहाँ कहना गलत है कि सिर्फ महिला ही ज़्यादा सुरक्षा है, मैं मोदी के राज्य में मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं मोदी को फुल सपोर्ट करती हूँ, क्यों? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद स्वयं सहायता समूह आजीविका समूह बने, हमको सुरक्षा है, मैं भाजपा के साथ हूँ और मैं मोदी के साथ हूँ, जय जय श्री राम, जय श्री राम। यूपी के अंदर मोदी जी ने सुरक्षा नहीं करवाई महिलाओं की, यूपी में तो योगी जी, तो क्या वहाँ पे रेप नहीं हो रहे हैं? तो वहाँ पे रेप नहीं हो रहे हैं क्या? वहाँ पे रेप बहुत है, सुनो बहुत सुरक्षा है, यूपी के हाथरस कांड को दुनिया जानती है, वहाँ कितनी सुरक्षा करी योगी जी ने? ऐसा आपने सुना लोगों ने क्या कहा, लोगों की राय इस पर, लोगों ने कहा कि मोदी जी ने भी सुरक्षा प्रोवाइड की है और कईयों ने कहा कि मोदी जी सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और ये स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो मुद्दा आप पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है ऐसा कुछ लोगों का कहना है, लेकिन मुद्दा महिला के सुरक्षा का है, ये किसी की अंदरूनी पार्टी का नहीं, बाहरी का नहीं, देश का मुद्दा है, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में बताएं।